नमस्कार जमशेदपुर, मशाल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेम श्रीवास्तव। फिलहाल मौजूद हूं सोनारी एयरपोर्ट में। आज यहां पर जो है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी इंडिया एयर वन की फ़्लाइट 9 सीटर वाला प्लेन जो है उसको हरी झंडी दिखाकर कलकत्ता की ओर रवाना करने वाले हैं। 9 सीटर वाला ये जो प्लेन है 9 यात्रियों को लेकर कलकत्ता की ओर आधे घंटे में मात्र पहुँच जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, आइए। आ गया आ गया, नहीं तो रांची नहीं दुखने दीजिएगा ना मेरे को। सर थोड़ा इधर, सर इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए जाए सर। सर बस इधर देखा जाए सर, हो गया सर। नो बाबा आप सामने आ जाओ, बस खड़े हो जाइए। आप कुछ कीजिएगा, ये लाल लेते हैं ऐसे लेते ना आप, मुझे ऐसे लेते हैं उधर कुछ नहीं है। हां साहब धुआं मारेगा। टाइम में कि ये एक अच्छी शुरुआत है, जैसे किसी ने कहा अभी मंगल शुरुआत है, मंगलवार के दिन 31 जनवरी 2023। और इसमें बहुत से भागीदार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन RCS सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। और शुरुआत अच्छी है क्योंकि 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, सो 9 सीटें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट लोगों की बहुत है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टाफ यहाँ दिया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी बहुत हमको सपोर्ट मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने दी है, टाटा स्टील की तरफ से मेंटेनेंस जो हम लोग कमर्शियल टर्मिनल को रेडी किए हैं या इक्विपमेंट लगाए हैं या एयर स्ट्रिप का पूरा मेंटेनेंस है, जो ATC सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है उसका पूरा पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा। तो आई थिंक इसमें बहुत भागीदार हैं और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी लोगों का बड़ा हुआ है और कनेक्शन भुवनेश्वर से जमशेदपुर बहुत अच्छा कनेक्शन है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये लोग जब देखेंगे कि फुटफॉल है और टिकट्स बिक रही हैं तो शायद 1 से 2 सॉर्टी भी करने का प्लान करें।